चलिए आज हम देखेंगे अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से संबंधित टेस्ट सीरीज का भाग पाँच। यहाँ भी हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम लगातार अजय सिंह रावत जी का क्रमबद्ध प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अजय सिंह रावत का भाग पाँच। हमारा पहला प्रश्न है आज का, गढ़वाल के किस शासक ने कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो जब कनकपाल आए थे हमारे यहाँ, जो आए थे धार नगरी गुजरात से ये आए थे, और गढ़वाल के शासक ने इनसे अपनी पुत्री का विवाह करवाकर इन्हें चांदपुरगढ़ परगना दिया था। चांदपुरगढ़, तो ये राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपाल। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था कनकपाल से। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से गणेश की नृत्य करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इनमें से एक स्थान ऐसा है जहाँ से गणेश की नृत्य करते हुए मूर्ति हमें प्राप्त हुई है खास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोशी मठ। अगला हमारा प्रश्न, गढ़वाल के किस मंदिर शैली सोलंकी मंदिरों की शैली से मेल खाती है। तो गढ़वाल के किस मंदिर की शैली सोलंकी मंदिर, जो गुजरात की तरफ ये बनाए जाते हैं, तो इनकी शैली से मेल खाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि बद्री। आदि बद्री में हम जानते हैं कि 16 मंदिरों का एक समूह था, और इन मंदिरों की शैली जो है सोलंकी मंदिरों से मैच करती है। अगला हमारा प्रश्न, गढ़वाल वर्णन किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है गढ़वाल वर्णन, तो इसका हमारा सही आंसर है हरिकृष्ण रतुड़ी, जो टी रियासत में दीवान के पद पर भी थे। अगला हमारा प्रश्न, गढ़वाल जाति प्रकाश नामक रचना किसकी है। तो गढ़वाल जाति प्रकाश जो नामक रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ये सभी पुस्तकें जो भी हैं, ये परमार वंश के इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, इनमें परमार वंश का जिक्र मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल राज्ञ वंशावली किसकी रचना है। तो किसने इसमें से ये पुस्तक लिखी गढ़वाल राज्ञ वंशावली, तो इसका सही आंसर है कवि देवराज। अगला हमारा प्रश्न, किस कवि ने अजयपाल की तुलना कृष्ण युधिष्ठिर भीम कुबेर एवं इंद्र से की। तो एक ऐसा कवि है जिसने अजयपाल की तुलना की है कृष्ण से, युधिष्ठिर से, भीम से एवं कुबेर से और इंद्र से। तो ये हमारे कवि हैं कवि भरत, और इन्होंने ये किया था अपनी रचना मानोदय काव्य जो इनकी रचना थी, इसमें इन्होंने इस अजयपाल को इतनी सारी विभूतियों से नवाजा। अगला हमारा प्रश्न, अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था। तो जो गढ़वाल का एकीकरण करने वाला शासक अजयपाल, वो किस पंथ का अनुयायी था, तो इसका सही आंसर है गोरख पंथ। इतनी पूरे गढ़वाल का एकीकरण करने के बाद, 52 गढ़ों को विजित करने के बाद अजयपाल गोरख पंथ की तरफ आकर्षित हो गया था। अगला हमारा प्रश्न, गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज किसकी रचना है। तो एक पुस्तक है गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज, तो ये पुस्तक है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स की, और इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जिक्र मिलता है परमार वंश का। अगला हमारा प्रश्न, किस ग्रंथ ने मैं अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अजयपाल को कहा गया है आदिनाथ। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि इसमें से किस परमार शासक को आदिनाथ भी कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजयपाल। तो ये कहा गया है सांवरी ग्रंथ में। ये सांवरी ग्रंथ गोरखनाथ पंथ से संबंधित एक ग्रंथ था। अगला हमारा प्रश्न, किस मंदिर की दीवार पर अजयपाल का चित्र है। तो इनमें से किस मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्र है अजयपाल का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु मंदिर देवलगढ़ में जो स्थित है, इसकी भित्ति पर अजयपाल का एक चित्र चित्रित है। अगला हमारा प्रश्न, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ जी मंदिर घंटी लेख किस शासक से संबंधित है। तो देवप्रयाग में रघुनाथ जी जो एक राम का मंदिर है, और ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली का ये मंदिर है, उत्तराखंड का एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है रघुनाथ मंदिर। ये इस मंदिर में जो घंटी लेख है वहाँ पर कुछ लाइनें घंटी पर लिखी गई हैं, तो ये किस राजा से संबंधित बताई गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहजपाल। अगला हमारा प्रश्न, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार शासक कौन था। तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलभद्र शाह। हालांकि शाह की उपाधि पहले कल्याण शाह ने भी लगाई थी, लेकिन क्रमबद्ध रूप से इसके बाद लगातार हर शासक ने शाह की उपाधि धारण की, तो वो थे बलभद्र शाह। अगला हमारा प्रश्न, यहाँ पर होना चाहिए था देवप्रयाग, यहाँ पर एक गलत अंकित हो गया है। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर पर, जो क्षेत्रपाल मंदिर है देवप्रयाग का, उस पर किन दो शासकों के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। तो क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर दो शासकों के शिलालेख मिले हैं जो शासक परमार वंश से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहजपाल और मानसा। इन दोनों के अभिलेख मिले हैं क्षेत्रपाल मंदिर से। आप जानते हैं कि गढ़वाल में हर देवता के साथ उसका एक रक्षक देवता भी होता है, तो ऐसे ही क्षेत्रपाल देवता जो रक्षक देवता होंगे देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के, तो उनके मंदिर द्वार पर ये अभिलेख हमें मिले हैं।
अगला हमारा प्रश्न, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया जो पुस्तक है उसके सही लेखक है फॉस्टर। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें विलियम फिंच जो एक यूरोपीय यात्री उत्तराखंड आए थे, विलियम फिंच का विवरण है, इनकी बातों को इसमें लिखा गया है, जिसमें विलियम फिंच ने कहा है कि जो मानसा है गढ़वाल का राजा वो अमीर है और सोने के बर्तनों में भोजन करता है। अगला हमारा प्रश्न, नंदी किस परमार का शासक सेनापति था? नंदी किस परमार शासक का सेनापति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मानशाह। मानशाह जिसने दापा तिब्बत पर आक्रमण किया था और काकवा मोरवा के शासक को हरा कर वहाँ से काफ़ी सोना अर्जित किया था। अगला हमारा प्रश्न, जहांगीरनामा में किस परमार का जिक्र मिला है? तो इनमें से किस परमार का जिक्र जहांगीरनामा में मिला है? तो इसका सही आंसर है श्याम शाह। श्याम शाह का जिक्र जहांगीरनामा में मिला है और कहा गया है कि कई सारे उपहारों के साथ श्याम शाह जहांगीर से मिला था। अगला हमारा प्रश्न, गौरवभंजन किस परमार शासक की उपाधि थी? तो किस परमार को गौरवभंजन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महीपत शाह। श्याम शाह के बाद राजा बने महीपत शाह और इन्होंने अपने आसपास के सभी राजाओं पर आक्रमण किए और उन्हें हराया, तो इसीलिए इनको कहते हैं गौरवभंजन। अगला हमारा प्रश्न, इनमें से कौन महीपत शाह का सेनापति था? तो इन चारों में से इन तीनों तीन सेनापतियों में से कौन सा एक महीपत शाह का सेनापति था? तो इसका सही आंसर है ये तीनों, माधव सिंह भंडारी, लोधीरी खोला और बनवारी दास, ये तीनों ही महीपत शाह के सेनापति थे। अगला हमारा प्रश्न है, महीपत शाह के बाद गढ़वाल के शासक शासन पर कौन बैठा या गढ़वाल की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महीपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह गढ़वाल के सिंहासन पर बैठा, जबकि महीपति शाह खुद श्याम शाह के बाद गद्दी पर बैठे थे। अगला हमारा प्रश्न, रानी कर्णावती से हार का सामना करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो जब पृथ्वीपति शाह छोटे थे तो उस टाइम रानी कर्णावती उनकी संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, तो इस समय शाहजहाँ ने मौका देखकर मुगल सेना को गढ़वाल की तरफ भेजा, तो ये भेजा था नजावत खां के नेतृत्व में, और पर लेकिन नजावत खां को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, शाहजहाँ ने 1655 में किसके नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया? शाहजहाँ ने जब कर्णावती पर आक्रमण किया तो कर्णावती ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, तो बदला लेने के लिए शाहजहाँ ने 1955 में पुनः मुगल सेना को गढ़वाल पर भेजा, तो इस समय खलीफतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़वाल पर मुगल सेना ने आक्रमण किया और गढ़वाल के राजा को हराया था। अगला हमारा प्रश्न, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो वैसे तो इतिहास में फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के संबंधों में कुछ गड़बड़ देखने को मिली, तो यहाँ पर युद्ध हुआ भंगाणी का युद्ध, जो हुआ था पौंटा साहिब के पास। अगला हमारा प्रश्न, मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं? तो इन चारों में से मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जे आर जी विलियम्स की पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, फतेह शाह ने किस प्रगणे को जीतकर वहाँ फतेहपुर शहर बसाया? तो इनमें से किस प्रगणे को फतेह शाह ने जीता और वहाँ शहर बसाया फतेहपुर? तो इसका सही आंसर है ददौरा, जो सहारनपुर के पास था, तो यहाँ पर आक्रमण कर यहाँ शहर बसाया फतेह शाह ने फतेहपुर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।